स्वरूप राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। फरिश्ता चला गया, आप उठ खड़े हुए, भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था, आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में एक तरफ देखने लगे, हैरानी और घबराहट की हालत थी, दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझसे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए, अब आप सलल को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन का असर है और जिस बात का डर था वह सच साबित हो रही। आप सलल पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे, पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप सलल चौंक पड़े, घबरा कर फिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जबरील हूँ। आप सलल की घबराहट और बड़ी, डर से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए, कभी दाईं तरफ देखते कभी बाईं तरफ देख, फिर सूरत आंखों के ओझल हो लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता। वो फरिश्ता चारों तरफ देखने लगा, जिधर देखा उधर आगे खड़ा पावे, जिधर मुंह करते वहीं पर मौजूद होता, आगे बढ़े या पीछे हटे, नजर नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ इतना डरा जिस आदमी का कलेजा पाट गया, बताए परमात्मा, हर तरफ हर जगह फरिश्ता दिखाई देता। देर बहुत देर होगी, आप इसी प्रकार थर थर कांपते रहे, इतना डरा दिया है परमात्मा, मर जा आदमी कलेजा पाट के, न जाने मन में क्या विचार आते रहे। उधर बीबी खदीजा ने गुफा में आप सलल के पास आदमी भेजा, आप वहां ना मिले, रिश्तेदारों के यहाँ दिखवाया, वहां भी ना थे, वहां यहाँ वहां दौड़ा लेकिन न मिलना था न मिले। रिश्ता चला गया, आप खदीजा के पास आए, भय से कांपते हुए पसीने में डूबे हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उठा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। आप सलल की यह हालत देख कर वह बहुत घबरा गई। अब देखो पुण्य आत्माओं, अब हमने पुनः देखना होगा, इस पर फिर विचार करना होगा कि ऐसी प्यारी आत्मा के साथ ऐसा बद सलूक करके इन फरिश्तों ने, और ये कहानी सुनाई, और ये भक्ति भी जो काल तक की, जिसके कारण सारा जीवन हजरत मोहम्मद का कति महापीड़ा में बीता, एक पद भी इनका चैन नहीं रहा, तो उस पूजा से बताओ आप भक्त आत्मा क्या लाभ उठा सकेगा। ये हालत है, डरा धमका के ये काल के फरिश्ते अपनी का पूजा बताते रहे और महिमा गाते पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि इनको डर है अगर तुम उस परमात्मा के बारे में झूठ बोलोगे तो इनके ऊपर बड़ी सजा दी जाती है। इस और ये काल के भेजे जाते हैं, ये काल ब्रह्म ज्योत निर्मल अव्यक्त रहता है, सामने नहीं आता पर है ये आकार में, ऐसे गुप्त संकेत देकर, गुप्त आदेश देकर, गुप्त अपने देवता भेजकर या स्वयं प्रवेश करके ये सब ज्ञान तो ठीक देता है लेकिन पूजा की विधि ये गलत करवाता है। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल में अर्जुन को गीता का ज्ञान तो सही दे दिया और पूजा सारी सबसे गलत करवा रहा है, उस शास्त्र के विरुद्ध करवा रहा है। अब देखिए फिर, अब आप यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते इस पवित्र पुस्तक को, आपकी हालत देखकर, परंतु बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी और आपकी ये हालत देखकर वो बहुत घबरा गई। खदीजा मुझे क्या हुआ, तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ। फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है, अब मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे ये डर है। आगे देखो 71 पृष्ठ पे, आप सलल ने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, एक बरका नाम के महापुरुष वर्ग थे, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम इस उम्मत के नबी होगे। वो कहने लगा, बरका कोई ईसाई था, कहने लगा ऐसे ही नबी होते ना उनके ऊपर, ऐसे ही जबरील देवता आता है, तुम इस उम्मत के नबी होगे और यह वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम, ओहो
के पास आता था। भतीजे, नबी होने का ऐलान करोगे तो लोग झूठलाएंगे और तरह तरह सताएंगे, घर से बेघर कर देंगे, जंग करने से भी नहीं चुकेंगे। काश उस समय में जिंदा रहता मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो क्या वो मुझे बेघर कर देंगे। अब देखो ये भी विचार करो कि ये जबरील नाम का फरिश्ता, इसे मूसा जी के पास भी यही आया था, यही फरिश्ता मूसा जी के पास, उसने भी इसी तरह डरा धमका कर मूसा जी को वो कुरान ने दी है जो तौरात वगैरह, आपके सामने बेहतर देखिए। मैं लोगों से कैसे बताऊं, सीधी राह कैसे समझाऊं, आपने सोचा कि इन भोली आत्माओं को जो मुझे संदेश मिला बता दूं। ये अपनी पूजा को हजरत मोहम्मद बिल्कुल सही मान रहे हैं कि खुदा की तरफ से आया कोई फरिश्ता मुझे सही बताएगा, लेकिन ये सारा नरक डुआ गया। हक सीधी राह कैसे बताऊं, ये तो भटक रहे हैं और हक से भिदक रहे हैं, खुदा से विमुख हैं, बुतों की पुजारी, बुराइयों के प्रचारक और भलाई से इन्हें बैर है। फिर कितना, इतना ही नहीं, सितम तो यह है कि इस पर इन्हें गर्व भी है। गरज है कि आप सलल के दिल में विचार का ये तूफान उठा और आप वह इंतजार करने लगे, यानी फिर कोई खबर आवा, संदेश आवा, उसके लिए देखिए 53 पर 73 पर आप सलल पर फिर हीरा की गुफा में जाने लगे, दिन रात वहीं रहते, इबादत करते, पूजा करते। एक दिन आप सलल कहीं से गुजर रहे थे, अचानक आकाश में आवाज आई, सिर उठाकर देखा वही फरिश्ता कभी हीरा की गुफा में आया था, आकाश में कुर्सी पर बैठा था। हे अल्लाह तू कितना मेहरबान है अपने मोमिन और सच्चे बंदे पर। फरिश्ते को देखते ही आप सलल हिलने लगे, कांप गए सारे, आप पर कंपन जारी हो गया। पहली बार भी आपका शरीर कांप रहा था, जैसे हवा के जोर से पत्ते हिल जाते हैं। क्या ये कंपना पहले जैसा था, क्या ये हिलना वैसा ही था? भय और घबराहट रोग का डर था। कहा नहीं, इसमें खुशी की मिठास थी, प्रसन्नता, इत्मीनान की ठंडक थी। ये तो लेखक की अपनी सोच है। मुझे कुछ फिर कहते हैं, फिर आप इसी हालत में घर आ गए, घबरा के कहता हूँ मुझे कुछ उड़ा दो, आप पर कपड़ा उड़ा दिया। या इतने में वही फरिश्ता वह लेकर फिर आएगा, पीछे पड़ा रहा है उसके, आप ये कपड़े में लिपटने वाले उठो और डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो, डराओ। तो भी ऐसे लोगों को डरा डरू का ये बात बता, अपना दिल पाक रखो और शिर्क की नापाकी से दूर रहो। ये कुरान ऐसे, ये कुरान की ये लेख बनते बनते एक समूह बन गया, एक पुस्तक पवित्र बना दी गई। आगे देखो 74 पे, इसके बाद कई बार वह आई, हजरत जबरील आते रहे और रब का पैगाम सुनाते रहे, काल का पैगाम सुनाते रहे, ब्रह्म का, ज्योत निरंजन व्यक्त का। वह बार बार आने लगी आपके पास, हजरत जबरील आते, आपको अल्लाह की आयतें सुनाते, बताते और क्या करो, किस तरह करें, ये काल की पूजा की विधि ये जबरील बता गया। हजरत जबरील ने बताया कि किस तरह वजू करें, किस प्रकार नमाज पढ़े। एक दिन आप मक्के के उत्तरी इलाके में थे, हजरत जबरील ने आपको के सामने वजू किया, बता कि जब नमाज पढ़ना हो तो इस तरह पाक साफ हो। फिर आपने भी उसी तरह वजू किया, फिर हजरत जबरील खड़े हुए, आपको नमाज पढ़कर दिखाई, आपने भी उन्हीं तरह नमाज पढ़ी। इसके बाद हजरत जबरील चले गए। अब देखिए प्यारी आत्माओं, अब ये बातें विचार करने की हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। ये काल का जाल है, ज्योत निरंजन इस ब्रह्म का अव्यक्त जिसे कहते हैं। अब ये अपने फरिश्ते भेज के इन भोली आत्माओं को डरा धमका के, और कई बार वो काल स्वयं आकर इनके हजरत मोहम्मद के शरीर में प्रवेश कर बोलता है, तो लिख लिया जाता था। और जिनको आज इन कुरानों का प्रारूप दे दिया, जो भी उनके मुख से निकली या कोई फरिश्ता लेकर आया, वो सभी की सबकी बना करके ये इस काल के द्वारा दी हुई ये ज्ञान है, जैसे गीता को श्री कृष्ण में प्रवेश करके और उस काल में बोल दी। लेकिन ज्ञान तो सही दिया उस परमेश्वर का, तो बाकी जो अटकड़े लाई वो अपने लेवल की वो अधूरी लगा रखे, जिससे ये दोषी होते जा रहे हैं सारा समाज। अब इसके बाद क्या होता है, इसी जीवनी के 158 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या हुआ,
जब एक दिन हजरत मोहम्मद अपनी एक रिश्ते में बहन के पास बैठे थे, उमा हनी कहते हैं उसको, और उसको अपना सारा जिक्र बताया। क्या बताया? कि मैं जैसे रात को सोया हुआ भी था, कुछ जाग भी रहा था, इतने में जबरील नाम का देवता आया और मुझे काबा से दूर ले गया और वहां मेरे अंदर से मेरा सीना चाक किया, मेरी छाती काट दी और उसमें से गंग निकाल कर और उसमें हीरों की यानी शुभ मंगल में मेरे संस्कार कर दिए। ये देखिएगा, सारे काम बाई फोर जबरदस्ती इस काल के फरिश्तों ने उस काल आदेश से करवा दिए इस प्यारी आत्माओं को। इसके 158 पृष्ठ पर देखिए, उमे हानी ये इनकी बहन थी रिश्ते में। उमा हानी रजिस्ट हैरान थी कि वे आपके पास आकर बैठ गई और बोली, जरा तफसील से बताइए क्या क्या हुआ और कैसा हुआ। आप सलन ने फरमाया कि उमे हानी मैं सो रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जगा रहा है। मेरी आंखें खुल गई, क्या देखा कि हजरत जबरील छत पार करके मेरे पास आ गए। यह मेरे लिए बिल्कुल नई घटना थी, इससे पहले तो मैं कभी इस तरह नहीं आए थे। वे जब कभी जाहिर होते तो सामने होते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझको लेकर काबा के पास हतीम के स्थान पर आए, वहां मुझे लेटा दिया, फिर मेरा सीना चाक किया, उसके बाद सीने की एक सोने की एक थाली लाए, वह थाली ईमान और हकीकत से भरी थी हुई थी, उसे मेरे सीने में उलेट दिया, फिर सीना बंद कर दिया। उसके बाद बहुत सफेद जानवर आया, वह जानवर खच्चर से थोड़ा जरा बड़ा छोटा और गधे से कुछ बड़ा है था। उस पर हम दोनों सवार हो गए, पलक झपकते बैताल मकसद पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने नमाज पढ़ी, फिर पीछे दूसरे सारे नबियों ने नमाज पढ़ी। अब देखो 161 पे प्यारे नबी सलल, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, ये बता रहे हैं हजरत मोहम्मद, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकसद की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात थी, जिसमें हजरत मूसा जी, ईसा जी, हजरत सारे देखे, नबी इब्राहिम थे, मूसा और ईसा जी भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। अब 164 पर देखना, ये चीज फिर देखना जानते हैं, आपको पहले थोड़ा मौखिक बताता हूं। अब ये जबरदस्ती ये काल का देवता फरिश्ता बिठा के इस प्यारी आत्मा को ऊपर ले गया। ऊपर ना जाने कितने लोग हैं, छोटे मोटे टुकड़े इनके बने हुए सुरंग में, और वहां पर अलग अलग स्थान है, इन सब जैसे जो पूजा करके जाता है, कुछ समय इनकी वहां पुनः स्वर्ग में होते हैं, उसके बाद फिर ये सब 84 लाख दुनिया में आते हैं। तो वहां पहुंचे तो कहते हैं वो वहां पर कौन कौन थे, ईसा जी भी, मूसा जी भी, अब्राहिम जी भी वहीं पर थे। उसके बाद क्या बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर मैं ऊपर गया, आगे देखा तो क्या देखा कि एक व्यक्ति, ओए भाई देख तमाशा काल का, परमात्मा कहते हैं गरीबदास जी अपनी प्यारी आत्माओं को बताना चाहते हैं इस काल ने कैसा जाल कर रखा है। देखिएगा ये लोग देखना, ये एक ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे, ये पृथ्वी लोक है और यहां पर ये स्वर्ग है, इसमें साथ ही इधर नरक है, इधर स्वर्ग है इधर नरक है, और यहां जो प्राणी रहते हैं उनको अपने जो जितने भी जो स्वर्ग में भी रहते हैं ना उनके जो निकम्मे वंशज नरक में ठोक दिए गए उनमें भी उनकी ममता रहती है और उनकी जो पीड़ा हो रही है वो भी उस मुखिया को सताती रहती है। वहां पर देख मेरे बच्चे इन बुरे कर्म के लिए तक हालत होगी इनकी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वो हजरत आदम, ओए परमात्मा, अब इस बात को जोर देना थोड़ा सा कि जिसको ये आदम की संतान मानते हैं पूरा ईसाई धर्म और साथ में ये पवित्र मुसलमान धर्म, उस इनके मुखिया की के हालत स्वर्ग में देखा हो जहां पर ये बिष्ट को आनंद मानते हैं। क्या बताता है, जब हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि जब मैं ऊपर गया जबराइल के साथ, क्या देखा कि एक व्यक्ति इधर मुंह करता है तो रो रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, इधर मुंह कर रहा है तो हंस रहा है, खुश हो रहा है,
तब मैंने पूछा जबरील से ये कौन है, तो जबरील ने बताया कि ये बाबा आदम है। तरह गजब ये परमात्मा इस ये मुखिया के साथ ये हालत है, कहती ये क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है कि इधर इसके पुत्र नरक में ठोक रखे हैं और उनने जो कुकर्म किए वो अब इनको देख कर ये रो रहा है कि मेरे बेटों ने मेरे वंशजों ने जो जुल्म किए उनको आज कितनी भयंकर सजा पा रही है और इधर स्वर्ग में जो अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग इष्ट में हैं उनको देखकर प्रसन्न हो जाता है, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। हे परमात्मा ये हालत तो इनके बेस्ट पहुंचे हुए उन मुखिया की है जो सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, आम व्यक्ति की क्या हालत होगी परमात्मा के लिए सब ये बताना चाहते हैं। अब देख लो मुसलमान और हिंदुओं अब क्या हालत होगी आपकी, अब कहाँ खड़े हो। अब यहां से फिर देखिए ये वही जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके प्रश्न नंबर 164 पे है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु मोहम्मद जी को अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमतें दी थी उनका जिक्र करने लगे। यानी हजरत मोहम्मद नीचे आके बता रहे हैं अपने साथियों में बैठ कर कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, बैतुल मक़दिस मक़दिस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे उनका भी बयान किया। आप थोड़े पीछे कर लीजिए बिल्कुल हटा के मतलब बस और पीछे हाल सुनाया, क्या बताया कि बैतुल मक़दिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया, वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनका भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश में ले गया, पहले आकाश में ले गए, वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। और तेरेगी वहां कहते हैं हजरत आदम मिले बाबा आदम, उनका हाल यह था कि जब दाई ओर देखते तो खिल उठते हंसते हंसने लगते और बाई ओर देखते तो गम मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाई ओर उनके नेक औलाद के कर्म थे और बाई ओर बाद के हजरत आदम अलैहि के ने बाद के बाई ओर बाद के, कहने का भाव यह है कि एक तरफ दाई ओर तो उसकी अच्छी संतान थे और बाई ओर उनके जो निकम्मी संतान के कर्म थे। अब दोनों का दुख और सुख उसको आज भी सता रहा है, वो प्यारी आत्मा स्वर्ग में भी चैन नहीं। देखो अच्छी तरह लोगों से आधा करके प्यारे नबी अपने सच्चे साथियों में बैठकर अल्लाह ने जो उनको बड़ी जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र शुरू करने लगे। बैतुल मक़दिस ने से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया, वहाँ कुदरत को जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि हजरत सलाल ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए, वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम परमात्मा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन दोनों धर्मों का हिंदू ना सिख अर्चना करना मुसलमान और ईसाइयों का जो मुखिया हजरत आदम बाबा आदम मिले, उनका हाल ये था कि जब दाई ओर देखे तो खिल उठते और हंसने लगते और बाई ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते। ओए भाई क्यों, क्योंकि दाई ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाई ओर बाद के हजरत आदम अलैहि के ने आप सलेल को देखा और बोले तुम्हारा आना मुबारक है। इसने आदम ने कहा और नेक नबी है नेक बेटे, आप सलम ने पूछा जबरील ये कौन है, जबरील ने उत्तर दिया ये आदम अलैहि है सारे इंसानों का बाप है, सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरा आकाश पर ले गए, वहां पर तीस अब यहां से फिर दिखाता हूँ आपको हजरत इस हजरत आदम को ही देख लो आप, उसके बाद फिर सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जिसको हजरत आदम को ईसाई और मुसलमान धर्म दोनों पूज्य मानते हैं और उस महापुरुष की यह दुर्गति उस विश्व के अंदर बताओ आम व्यक्ति कैसे सुखी होगा। क्या बता रहे हैं पवित्र ये नेक आत्मा हजरत मोहम्मद जी, क्या बता रहे हैं कि जब उनको देखा ना बाबा आदम को दाई तरफ मुंह करे करोने लग जाए और बाई तरफ करे तो
हंसने लग जा, क्यों इधर थे उसके कुकर्मी पुत्र स्वर्ग में नरक में दुख पा रहे थे और इधर उसके संतान जो सुखी थे उनको सुख देख रहा है और दुखियों को दुखी देख रहा है। अब देखो पवित्र बाइबल दिखाता हूं, बाबा आदम की पत्नी का नाम श्रीमती हव्वा था। इन दोनों के प्रथम संतान दो पुत्र हुए, बड़े का नाम काइन और छोटे का नाम हाबिल था। है ए परमात्मा, दो पुत्र हुए कैन और कैन और हाबिल। और कैन ने हाबिल को मार डाला। है उसी समय कहते कैन ने हाबिल को मार डाला। पढ़ कर देखो ये पवित्र बाइबल है परमात्मा। ये तो हजरत आदम के सामने ये दुष्कर्म करवा दिए, इस काल में ऐसे जुल्म हो गए। अब देखिए ये पवित्र बाइबल कहां से प्रकाशित है, इंडिया बाइबल लिटरेचर सेंटर प्रकार रोग रोड कल्पिक मद्रास, बाबा आदम का। यहां देखिए प्रश्न नंबर है इनका 5, उत्पत्ति 3:12 अवलिक 4:17। कैन और हाबिल भेंट लाते हैं। आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उनसे उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने योहा में की सहायता से पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। दोनों भाई कैन और हाबिल दो भाई थे। आज देखो कैन हाबिल की हत्या करता है। पहली संतान ने ये जुल्म शुरू कर दिया है परमात्मा। पहली संतान जहां से आदम जी का जीवन शुरू होता, दो बेटे हुए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से पूछा कहां और कहां कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अपने भाई को मार डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई की मृत्यु कर दी। किस बात पे कर दी ये मवरबली बताता, इसमें लिखा है कि कैन तो खेती करता था, हाबिल जो है ये भेड़ बकरियां चराया करता। और कहते हैं रब के पास कैन तो अपनी खेती का हिस्सा ले गया और हाबिल ले गया अपना एक बकरा। कहते हैं और रब ने उन मकीस में उन पाखंडी मेहनतों में वो काल के वो भीतर प्रेत बोले वो कहने लगा। अब वो तो ले गया कनक कौन कायन थे, तो उसमें वो कहते अल्लाह को बैठ चढ़ाने के लिए वो भूत बोला उस मेहनत में। वो कहता नहीं 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 तेरी कमाई पाक नहीं है। उसकी वह कनक तो स्वीकार नहीं की। वो पहला बकरा लेकर गया अपना बच्चा एक मेमनास का बकरी का बच्चा, तो उसको कहता हाँ तेरी आत्मा बड़ी पाक है ये बकरा दे दे मुझे। कसाई वो जुलम करवा दिया, उसे हाबिल का बकरा स्वीकार कर दिया, वो कणक स्वीकार कर दी। कहते ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को नहीं उन दुष्ट आत्माओं को पसंद है जो प्रेत आत्मा उन प्यारी आत्माओं को गुमराह करते रहे। ऐसा ये आपके सामने फिर दिखाता हूँ, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा नहीं तो आपके जचेगी नहीं ये बात। और ये अल्लाह का आदेश नहीं, अल्लाह तो 6 दिन में सृष्टि रचता, 7 दिन तख्त पर जा बैठा, उसके बाद तो ये काल की कबड्डी है सारी। और यही सब जुल्म करवा रहा हिंदू मुसलमान और सब सिख ईसाइयों पे। जब तक परमपिता कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे तो हमारा ये हालत सदा बनी रहेगी। यहां देखिएगा ये वही पवित्र बाइबल, एक बार फिर पढ़िए पूरा, नीचे आइए। ये तो आपने पढ़ लिया,
जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उनसे गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने योहास की सहायता से, भगवान की सहायता से पुत्र पाया है। फिर उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल तो भेड़ बकरियां चराहा बना, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन योहा के पास, उस मेहनत में बड़े भूत के पास है, योहा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट ले आया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैर उठे बच्चे भेंट चराने के लिए ले आया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई तरेगी। तब योहा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण कर लिया, वो मास्टर स्वीकार कर लिया। सल्ला ने ऐ थरा गजे भाई, ये प्रेत आत्मा बोला उस महंत में ऐसा जुलम शुरू करवा रखा था, वो तो स्वीकार कर लिया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो तो कनक ले रहा था और वो मांस ले रहा था। मांस तो स्वीकार कर लिया अल्लाह ने नहीं किया, ये तो उस प्रेत ने किया जो उस पुजारी में बोल रहा था, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई, इसको प्रण लिया, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अब कैन तो नाराज हो गया, भाई देख मेरी तो इतनी बढ़िया कणक तो स्वीकार नहीं की और मां स्वीकार कर लिया। तब योहा ने कैन से पूछ कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? वो भूत बोला उसने मेहनत में छा गई, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तू पर भूतार करेगा। कैन हाबिल की हत्या करता है। तो कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब ये दो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, मार दिया। तब योहा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? वो भूत ने पूछा, उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? गुस्से में कैन, उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई को लहू की भूमि में से तेरी मेरी और चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोल रहा है, आदि आदि, उसको तू शापित है। अब देखो, हजरत आदम, बाबा आदम की पहले दो पुत्र हुए और उनमें से कब शुरू होगी? एक परमात्मा बड़े ने छोटे की हत्या कर दी। अब वो प्यारी आत्मा हजरत आदम, बाबा आदम, उस स्वर्ग में भी दुखी जहाँ पूरी, अब और बाकी तो इनसे नीचे के नबी हैं, हजरत आदम जैसी साधना कभी कर ही नहीं सकता और उनकी ये हालत है, स्वर्ग में भी दुखी है। परमात्मा कहते हैं, स्वर्ग बीच है बड़ा प्रहार जम के हाथों पासी, इतना हाकार मच रहा, कभी इधर देखा जब परमात्मा उन करोड़ों जीव रो रहे हैं, इधर थोड़ा बहुत सुख महसूस कर रहे हैं, उसके बाद दोनों वहां से आएंगे, फिर 84 लाख होंगे। अब आपके सामने ये प्रसंग चल रहा है कि बाबा आदम दाई तरफ देखता है तो खुश हो जाता है और बाई तरफ देखता है तो रो रहा है। उन जालिमों के जुल्म देख के अपनी ही संतान के, जब ऐसे महापुरुष की संतान भी से जुल्म करगी तो आम बता कैसे कंट्रोल होगा? जब तक पूर्ण परमात्मा परम पिता कबीर परमेश्वर की सरनी मिलेगी। यह इंसान जबरीन ने बताया कि इंसानों के बाप हजरत आदम हैं, उनका हाल यह था कि दाई और देखते तो खिल उठते, हंसने लगते, और बाई और देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाई और उनके नेक संतान औलाद के कर्म थे और बाई और बाद के नहीं, उसके समय जुल्म हो गया था, आंखें के सामने शुरू हो गई थी बदकर्म करने, क्योंकि परम पिता के बिना ये पाप कर्म कट नहीं सकते। हजरत आदम अलैहिक ने आपको देखा और उससे बोले, फिर उसे पूछा, जबरीन से पूछा, ये कौन है जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है? तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी। हजरत आदम कह रहे हैं हजरत मोहम्मद को कि तेरा आना नेक है बेटा, ए नेक बेटे। आप सलम ने पूछा, जबरील ये कौन है? जबरील ने जवाब दिया कि ये आदम है सारे इंसान के बाप। आगे देखो ये परमात्मा, फिर कहां चले? तुम्हारा आना, उसके बाद जबरील आप दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे परिसर आगे बढ़ते गए। आप सलम नबी के पास थे,
पास से गुजरे, मनमोहक शब्द कानों से गूंजते हैं, तुम्हारा आनंद मुबारक है ए नेक नबी, ए नेक भाई। इस तरह आप साथ में आकाश पर पहुंच गए, वहां हजरत इब्राहिम मिले, देखते ही बोले तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, ए नेक बेटे। आप आगे बढ़े, बड़े और बढ़ते ही गए, रास्ते में सौंदर्य रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी हजरते भी नजर आए, सजदे पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह सिंहासन के करीब पहुंच गए, सिंहासन तो देखा नहीं, सिंहासन देखा नहीं, आगे पर्दा लगा हुआ था, ये काले से चाल चला, ये इस ब्रह्मांड में इसने एक ऐसा कर रखा स्थान जहां पर ये किसी से पर्दे के पीछे बात करता है। अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, वहां आप चलन पर आप और उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई, आकाशवाणी कर दी 50 नमाज किया करो, काल में भी अंदर पर्दे के अंदर थे आप, वहां आप सलल पर और आप की उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई। वापस हुए तो हजरत मूसा मिले रास्ते में, पास से गुजर हुआ, कहिए क्या फर्ज हुआ उम्मत पर। उन्होंने देखते ही पूछा, किसने, मूसा ने पूछा कि क्या हुक्म है अल्लाह का, आपने नबी मोहम्मद ने कहा कि 50 नमाजें, मूसा जी बोले लौट कर जाइए, रब से कमी करने की दरखास्त कीजिए, तो घनी नमाज होगी, कुछ कम करवाइए। फिर वापस गए तो फिर क्या किया, तो फिर जाइए और उन्हें क्या, वापस हजरत मूसा वापस गए और कमी करने की दरखास्त की, अल्लाह ने आधी नमाज कम कर दी, 25 कर दी। फिर मूसा जी के पास आए तो मुलाकात हुई, उन्होंने सुना तो फरमाया कि फिर जाइए, मूसा जी बोले फिर वापस जाइए, फिर कम करने की दरखास्त कीजिए, इतनी नमाजों नमाजें भी उम्मत पर कठिन होंगी। आप फिर लौट गए अल्लाह के तख्त के पास, यानी पर्दे के पीछे बोलो, कभी का अनुरोध किया, अल्लाह ने दरखास्त कबूल कर ली और कुछ नमाज फिर कम कर दी। वापस फिर मूसा अलैहिस्सलाम को बताया तो उन्होंने आपसे फिर कहा कि फिर जाइए और कमी की फिर गुजारिश कीजिए। आप सलल फिर फरिश्ते आप फिर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने इस बार 5 नमाजें कर दी और फरमाया ये 5 नमाज हैं, लेकिन सवाब इन 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते, वापस जाइए। अब देखो इस बात को ध्यानपूर्वक और विशेष विचार से सोचना होगा, अगर भगवान अल्लाह की तरह बोलना है तो आकार जरूर है उसका, बिना आकार के बोलने के, और वो ऐसे गुप्त रहता है, सबको धोखा दे के वो अल्लाह काल भी ना बोल रहा है, कोई और देवता की ड्यूटी ला जाइयो, अब पीछे बैठ जाता है जाके, वो कहता जाइए ऐसे करिए, जाइए ऐसे करिए। अब ये घोड़ी आत्मा ने ये सोच लिया कि हमने जो आज मिला है वो परम पिता का सच्चा मार्ग मिल गया। अब इसके ऊपर पूरा मुसलमान धर्म इन्हीं पूजाओं पर आधारित है, जिसके कारण ना, और ऐसे ही पूरा ईसाई धर्म ना, बाबा आदम सुखी और बाकी सुखी हों कैसे, अगर मोहम्मद का जीवन आपने देख लिया और बाकी देखिए। अब फिर आइए इसी पुस्तक 151 पृष्ठ पे, क्योंकि जब तक हमने किसी मजहब के बारे में सही ज्ञान नहीं होगा, किसी पूजाओं के बारे में, तो हमें उसके गुण और अवगुण का ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्यारी आत्मा ने उस जबरीन के ड्राइव के आदेश से जगह जगह जाकर यह प्रचार शुरू किया और कहा कि मूर्ति पूजा बंद कर दो, मेरे पास सत भक्ति है इसका पालन करो, लेकिन लोगों ने इनके साथ बड़े जुल्म किए, उस समय इनकी बातों को नहीं माना। अब देखिए इसी पुस्तक के 151 पृष्ठ पे, मोहम्मद सलल कुरैश के जुल्मों से जब तंग आ गए और उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त से बाहर हो गई, आप सलल को ताइफ जाने का फैसला, आपने ताइफ में यानी ताइफ अक्षेत्र वहां जाने का फैसला किया शहर में, उसमें आप बहुत ज्यादा दुखी थे, फिर उस दुख के साथ में तन्हाई भी आपको बेचैन किए दे रही थी, आपके दिल पर क्या बीत रही थी इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप ताइफ गए और किसी को खबर भी ना हुई, वहां आप क्यों पहुंच गए, केवल इसलिए कि शायद वहां वाले लोग मदद करें और आपको कुछ राहत मिले। नबी सलल ताइफ पहुंचे तो मामला ही कुछ और था, मदद करना तो दूर रहा अलग रहा, उन्होंने आपको वहां ठहरना भी पसंद नहीं किया, पूरी हठधर्मी से
नबुवत का इनकार कर दिया, आपके पैगाम को झुठला दिया और बड़ी बेशर्मी के साथ आपके ओर से मुंह मोड़ दिया। अब देखिए 152 पृष्ठ पे ये परमात्मा, ये बुरी आत्मा यहाँ बहुत दुखी कर दिए थे इन लोगों ने, इनको डड़े मारे, पत्थर मारे, वहां पहुंच गए, वहां इसे भी बुरा हाल कर दिया कि एक सरदार से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात तो मानी नहीं, वहां के लोगों से कहा कि मेरी बात तो मानी नहीं, लेकिन कम से कम मेरे मामले को छिपाए रखना और ना बताइयो किसी तरह कि मैं वहां गया था, मेरी बात ना मानी। लेकिन वे इस पर भी राजी नहीं हुए, बल्कि ताइप के गुंडों और लंपटों को भी आपके खिलाफ उबार दिया। इन जालिमों ने आपके पैरों पर पत्थर मारे, बरसाए के जूतियां खून से भर गई। जब आप जख्मों से निढाल हो जाते, पत्थर खाते खाते बेदम हो जाते तो बैठ जाते, इन जालिमों को फिर भी तरस नहीं आता, वे आपको हाथ पकड़कर खड़ा करते और जब आप चलने लगते तो फिर पत्थरों की वर्षा शुरू हो जाती। साथ ही दुष्ट पाप को आपको गालियां भी देते, तालियां भी बजाते। अफसोस, मानव जगत का कितना विकृत और दुख दृश्य था ये। आप तो ऐसे दयामय बादल थे जिसकी मानव उपवन को जरूरत थी, किंतु लोग कितने नादान थे कि उन्हें आपको सताने ही मजा आ रहा था। अब ये बातें सारी विचार करनी है कि क्या कहता है इस हालत में, हे रब, मैं अपनी बेबसी, बेचारगी और लोगों में कितनी रुतवाही की रियाद तुझी से करता हूँ। हे सबसे बड़े दयालु, हे कमजोरों का रब, तू मेरा भी रब है, तो मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी पराये के जो मुझे देखकर तोड़ी चढ़ाए, या किसी से दुश्मन के जिसे तूने मुझ पर पूरा अधिकार दे दिया हो? ओए ओए, अब रो रहा है इस काल के आगे प्यारी आत्मा, इसको पूर्ण परमात्मा मान कर इस धोखेबाज काल को ना सामने आता, ना सत बताता और झूठी कथा, ये अपनी लेवल की पूजा करवा के इन प्यारी आत्माओं को दुख पर दुख दे के और एक नकली स्वर्ग बना रखा हुआ पर बाबा आदम जैसे दुख पा रहे, और ये प्यारी आत्मा कहाँ जाकर सुख पाएंगी? तो ऐसे सोचना होगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो पूर्ण परमात्मा की ना होकर केवल ब्रह्म तक की, और जिसके कारण सुख नहीं बल्कि दुख बट रहे। अब आगे क्या दिखाते हैं आपको, हजरत मोहम्मद जी की 11 शादियां हुई। अब ये देखना, हजरत मोहम्मद जी की 11 शादियां, ये क्या है? फजाइले आमाल। फजाइले आमाल शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया कंदवल्ली रह, ये कहां से प्रकाशित है? मोबिन बुक डिपो, उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, प्रथम संस्करण 1981 में, कंपोजर ये नीचे लिखा। तो यहां देखिए 100, ये है कि हिकायते साहबा मालूमात, हजूर सलल की बीवियां और औलाद। यहां देखिएगा, हजूर अक्सद सलल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद का निकाह जिन पर मुदसिन और मुकर्रबीन का इत्तेफाक है, 11 औरतों से हुआ। आगे देखिए, इससे ज्यादा में इख्तलाफ और इस पर भी इत्तेफाक है कि इन सब में पहला निकाह हजरत खदीजा से हुआ जो बेवा थी, विधवा थी। हजूर सलल की उम्र सिर्फ शरीफ 25 वर्ष की थी और हजरत खदीजा जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। आगे देखियो, पहले उस हजरत खदीजा रजिस के निकाह की सबसे अव्वल तवीज वर्का बिन आफिर से हुई थी कि मगर निकाह तो नौबत नहीं हुई, यानी ब्याह तो नहीं पाया लेकिन बात चली थी, फिर वो मर गया वर्का। इसके बाद दो शख्सों से ब्याह हुआ, पहले का नाम अतिक बिन आइज से हुआ जिनसे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था, और दूसरा अतिक के बाद हजरत खदीजा का निकाह यानी ब्याह अबू हाला से हुआ,
जिनसे हिंद और हाला दो औलाद भी। नीचे देखो, आबू हाला की मृत्यु के इंतकाल के बाद हजूर अक्सद अकदस सल्लल्लाहु अलैहि यानी हजरत मोहम्मद से निकाह हुआ, खदीजा का सलम से निकाह हुआ, ब्याह हुआ। जिस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 वर्ष की थी और निकाह के बाद 25 वर्ष हजूर निकाह में रही, यानी 65 वर्ष की उम्र में रही, और रम जान सन 10 नबी 65 वर्ष की उम्र में इंतकाल फरमाया। 65 वर्ष की उम्र में हजरत खदीजा की मृत्यु हुई, यानी 25 वर्ष उनके साथ ही। अब देखो इसके 194 पृष्ठ। इनके अलावा एक सौदा और भी थी जो कुरैश की ही है। हजूर सलम ने उनसे निकाह का इरादा फरमाया। उन्होंने अर्ज किया, किसने उस सौदा ने, कि मुझे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब आप हैं, मगर मेरे 5-6 बच्चे हैं। मुझे यह बात ग्रह है कि आपके सिरहाने रोएं चिल्लाएं। हजूर सलम ने उनकी यह बात को पसंद फरमाया और तारीफ की और निकाह का इरादा मुलतवी फरमा दिया। अब देखिए, विचार करना पड़ेगा इन बातों पर। हमने ये देखना है कि इनमें कितनी दयालुता थी हजरत मोहम्मद के अंदर। एक विधवा थी जिसके 6 बच्चे, और उसने कहा कि मैं आपकी हर बातों से, आपके ज्ञान से बड़ी प्रभावित हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि इस महापुरुष ने एक शादी का उद्देश्य केवल विलास नहीं बल्कि वो रहम और दया थी, क्योंकि ये स्वयं उस सतीथी से गुजरे थे। हजरत मोहम्मद जी बचपन में बाप मर गया था, इसको मालूम है कि जिस बच्चे का बाप मर जाए उसकी कैसे परवरिश हो सकती है, कैसा दुख होगा उन बच्चों पर, और फिर माँ मर जाए तो कहना के। तो ऐसे उस दया दृष्टि से और मद्देनजर रखते हुए बाद में इन्होंने उस औरत से भी शादी करवाना, यानी उद्देश्य उनका क्यों ये था कि ये 6 बच्चों का उद्धार हो जाए, बेचारे ना जाने कहाँ दुख पाएंगे। इन्होंने अपनी भक्ति को बिल्कुल श्रेष्ठ मान रखा था, क्योंकि जब एक ऊपर तो फरिश्ता आकर हर सारी बात बता दे तो कोई भी चाहे कितना टीरी खाओ उसने तो यह बात माननी पड़े। इस उद्देश्य से इन्होंने पहली इस औरत को भी स्वीकृति दे दी जिसके 6 बालक थे, और वो कह रही थी कि अपने दुखी किराया करेंगे। इन्होंने फिर भी दयालुता दिखाई, कोई बात नहीं, तो अल्लाह के बच्चे हैं, क्योंकि ये पिछले जन्म के ऋषि थे, और संतों में दयालुता कोट कोट कर बड़ी होती है। आगे देखो फिर कै शादियां हुई, ये वही फजाइल अमाल। फजाइल अमाल प्रश्न नंबर 194 पे और हिकायत है साबा, ये इसका हेडिंग यानी चल रहा है। आपने उसके 6 बच्चे थे, 5-6 बच्चों को समेत उसे शादी की। हजरत आयशा से निकाह मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले सवर इतने सनम हुआ। फिर देखो, जिस वक्त उनकी उम्र 6 साल की थी, एक 6 वर्ष की लड़की ने भी इनके साथ शादी करने का इरादा किया, उनको भी स्वीकार किया। उनको कहते हैं जब वो 18 साल की उम्र हुई तब उनसे गहा किया। अच्छा, यहाँ क्या मैं बताना क्या चाहता था कि उम्र 6 साल की थी और हजूर सलम की बीवियों में यह सिर्फ एक ऐसी थी जिनसे कुंवारेपन में निकाह हुआ था, यह एक कुंवारी थी और 10 बाकी 10 सबके सब निकाह बेवकी माने विधवाओं के साथ हुए थे। 11 शादी और कुलकरी जिसमें हजरत खदीजा भी उसके साथ मरी, और ये बताते हैं 66 साल की उम्र में भी शादी की, यानी अंतिम इसमें वैसे इसमें लिखा है इनके जीवन चरित्र में कि 63 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, और अंतिम यानी उस अंतिम वर्ष में भी एक 18 साल की वर्ष लड़की से शादी। ये भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, कोई टिप्पणी गलत का वो मूर्ख होता है। जैसे ये पिछले संस्कार होते हैं युगों युगों के, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 8 औरतों से शादी की और 16,000 एक राजा ने लड़कियां कैद कर रखी थी, औरतें उनको तंग किया करता था, उनको भी उस राजा से छुड़वा कर उन्हीं की इजाजत से उनकी अपने इरादे से जैसे उन्हें खुशी महसूस की कि जैसे तुम चाहो तुम्हारी शादी कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमारे से कौन शादी करेगा, हम जैसे आप रखोगे ऐसे ही रखेंगे। तो भगवान ने उनको बाइज्जत और बहुत ही अच्छी तरह रखा गया। कहने का भाव ये है कि हमने इस दृष्टिकोण से नहीं सोचना
क्योंकि हम अपनी सोच मधुरे होते हैं, इसलिए संतों के प्रति इन बातों को बुराई की तरफ ले जाना ये मूर्खता का काम है। ये तो अपने संस्कार होते हैं और युगों युगों से उलझे हुए संस्कार इस जीव के हैं, तो ये किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे तो सभी हमें कर्म जिसका जिसका सहयोग है वो भोगना पड़ेगा, और जब इसकी शरण में आ जाएंगे परमात्मा पूर्ण कर्म की में, तो हमारे कर्मों के दंड को वो काट देते हैं, फिर ये संस्कार उलझते नहीं हमारे, फिर सुलझ जाते हैं और उस परम पिता कबीर साहब की शरण में लगे जीव सुखी नहीं हो सकता थे लाख जन्म लग जा रहे। अब आगे दिखाते हैं, एक 10 मिनट का सत्संग है। अब 307 पृष्ठ पे इसी जीवन चरित्र के अंतिम सतिथि क्या हुई इस महात्मा की, ये परमात्मा ऐसा दुखी जीवन, लास्ट में आम व्यक्ति की भी मृत्यु शायद अच्छी हो जाए जो इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि ये पिछले जन्म के संस्कार अच्छे थे लेकिन इस जीवन की भक्ति इस साधना से कुछ नहीं बनी इनकी। जीवन चरित्र में अब 307 पृष्ठ है, ये या देखिएगा। हिजरत का 10वां साल था, प्यारे नबी सलन हज के इरादे से मक्का गए, यानी इनकी आयु 10वां साल था, रवाना हुए। आपके साथ 1,00,000 से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था, 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हो गए थे, मुसलमान बन गए थे। और इस हज को कहते हैं हिजतुल वदा, इसके लिए इसलिए ये हज आपका आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की दरियात का मौका नहीं मिला। इस हज को कहते हैं, कुछ लोग तो इस हज को कहते हैं कि हिजतुल बलाग, क्योंकि रब का जो पैगाम पहुंचाने आप दुनिया में आए थे वह यहाँ पूरा हो गया, वह पैगाम था इस्लाम धर्म। हज के अवसर पर प्यारे नबी ने मुसलमानों के सामने एक तकरीर भी की, वह तकरीर वास्तव में इस्लाम का दस्तूर था। क्या है, शुरुआत करते हैं कि आपने बताया अंतिम समय में, फरमाया प्यारे भाइयों मैं जो कुछ कह रहा हूँ ध्यान दे सुनो, क्योंकि हो सकता है इस साल के बाद मैं तुमसे यहाँ न मिल सकूँ। इसके बाद आपने सारे मुसलमानों को आखिरी वसीयत की, इन वसीयतों का निचोड़ यह है, 40 हिदायत दी इन्होंने, मकसद हदीस 39 में से कुछ बताई है, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत मजबूती से पकड़े रहना, लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना, कोई अमानत रखे तो उसको खिनात न करना, खून खराबे और ब्याज के करीब ना फटकना, खून खराबा भी नहीं करना, ये बकरे बकरे मत काटना, गऊ मत काटना और ब्याज तक मत लेना। नबी प्यारे नबी सलम ने तकरीर फरमाते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आपस में कैसे हैं, फिर आप इंसानों के साथ उनका क्या बर्ताव हो, आप सलल ने बता ने समानता और बराबरी पर बहुत जोर दिया, ऊंच नीच और जात पात की जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप सलल यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया लोगों तुम्हारा एक रब है, तुम्हारा एक बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो, आदम मिट्टी से बने हैं, खुदा के नजदीक तुमसे सबसे बेहतर वह है, बताओ वह है जो खुदा के सबसे ज्यादा डरने वाला हो। आगे देखो 309 पे हिजतुल बाद को अभी 3 महीने से ज्यादा ना गुजरे थे कि प्यारे नबी सलल बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना जोरदार कि इससे पहले कभी ना हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों की नींद उड़ गई। नीचे देखिए, आप हजरत मोहम्मद ने सारी बीवियों को बुलाया, उनसे हजरत आयशा रजी से यहाँ ठहरने की इजाजत ली, सारी बीवियां खुशी होकर तैयार हो गई, यानी एक के पास रुक जाऊं मैं भी ज्यादा नहीं घूम सकता, मैं अंतिम समय पर हूँ। कमजोरी बहुत ज्यादा थी, बेसहारा आप सलल के लिए अब मुमकिन नहीं था। हजरत अली और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ ले आए, सिर दर्द से ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा था। आगे देखो 311 पे
ये कारण है कि जब आप बीमार हुए और तबीयत संभलती भी मालूम न हुई तो बीबियां बेचैन होगी, साथ ही बेकरार होगी। प्यारे नबी, उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाए। किसको? हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी तकलीफ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज काफी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से ही वही नमाज पढ़ाए। आगे देखो, चलो। फिर आप ने फरमाया, मुसलमानों, मैंने वही चीज हलाल की है जो हलाल अल्लाह ने हलाल की है, और उसी चीज को हराम किया जिसको अल्लाह ने हराम किया है। मुसलमानों, किसी को मैंने मारा हो तो वह पीठ हाजिर है कि मुझे भी वह मार ले। अंत में कितनी प्यारी बात कहें, भाई मेरे से गलती होगी ना तो माफ कर लो, मेरे से किसी को कुछ कहा तो मुझे दो जूत मार लो, किसी को मैंने कुछ कहा हो तो वह भी मुझसे कह ले, किसी का मैंने कुछ लिया हो तो वह मुझसे वापस ले ले। अब नीचे देखो, तकलीफ बहुत बढ़ गई थी, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा, बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते थे। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, हे परमात्मा देख कितनी मुंडी दुर्गति होकर मर रहे हैं, प्यारी आत्मा शरीर छोड़ रहे हैं। बेचैनी थी, ठीक उसी वक्त आपके होंठ हिलने और कानों में ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदे करने लगे। नीचे देखो, कमजोरी हर क्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, परंतु पानी पेश कर दिया गया, आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, चादर कभी मुंह पर डाल देते, बेचैनी से कभी हटा लेते, उसमें निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह ना न जा, जान निकाल निकलने के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे परमात्मा, ये बंदी छोड़। आम व्यक्ति से भी बुरी तरह मर रही क्योंकि इनकी भक्ति सही नहीं थी, नहीं तो आराम से जाना था इस प्यारी आत्मा ने। हे अल्लाह न जा, जान निकलने से के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा उनकी बेटी बेचैन हो गई, वे खुद बे खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन नहीं होगा, आज मर जाऊंगा बेटी मैं दुख में। अपराह्न का समय था, दोपहर के बाद सीने में सांस धड़क रही थी, इतने में आप सलल के होठ हिले और कानों में ये आवाज आई, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। देखो 315 पर नमाज गुलामों ने अच्छा सलूक ना, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आपने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यह कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जाग गई। अब देखो, इंतकाल के समय आपकी उम्र 63 साल की थी। अब आगे देखो, जब के हालत हुई है परमात्मा, इस प्यारी आत्मा का जो इतने उस काल के ब्रह्म के नबी अल्लाह के खास व्यक्ति की ये हालत आने समय में, इन पूजाओं से बताओ आम समाज और वैश्य समाज को क्या लाभ होगा। बाबा आदम की हालत आप देख रहे, क्या हालत हुई, यही परमात्मा कबीर साहब उन प्यारी आत्माओं को मुसलमानों को समझा रहे हैं कि नादानों तुम के पूजा कर रहे हो, तुम वास्तविकता से दूर पहुंच गए हो और इस काल ने जानबूझकर मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर रखा, तुम मेरी संतान हो। ये आदम वगैरह सब, ये आदम जी कौन थे, ये ऋषभ देव जी थे, हमारे संस्कार बहुत पिछले रुले मिले हैं और ऋषभ देव जी जैनियों के सबसे प्रमुख माने जाते हैं और आज वो ईसाइयों और मुसलमानों के प्रमुख होकर स्वर्ग में उस कष्ट को झेल रहे हैं। इधर स्वर्ग सुख देते हैं, देखते हैं इधर कर रोने लग जाते हैं, बता कोई चैन होया ये। इस प्रकार ये हालत सबकी होती। अब उस महापुरुष के, जो महापुरुष होता है उसके जाने के बाद क्या होता है कि लोग मनमुखी मेहनत मुंत बना के और फिर वो सब जैसी वो बताकर गए थे वो साधना भी फिर खराब हो जाती है। उसके लिए प्रमाण देखिए इसी जीवन चरित्र में, इनकी मृत्यु के उपरांत झगड़े शुरू हो गए, वो मेहनत कह मैं बनूंगा, वो कह मैं बनूंगा, ऐ खरा गजे बोलियो, इन्हें सारा जीवन अपना लगा दिया एक करने के लिए और ये फिरजों के तो झगड़े पैदा कर दिए। हजरत 319 पर हजरत
अबू बकर और हजरत उमर फौरन दौड़े हुए गए। हजरत उबैदा भी साथ थे। देखा तो वास्तव में सारे अंसार जमा थे, कुछ मुहाजिर भी वहां मौजूद थे। खूब गर्मा गर्म भैंसें और एक दूसरे पर चोटें हो रही थी। उन लोगों ने पहुंचकर हालत पर काबू पाया, हिकमत से लोगों को समझाया बुझा। आखिर सबने सलाह दी, हजरत अबू बकर खलीफा चुन लिया, यू मेहनत चुन लिए गए और सारा झगड़ा खत्म हो गया। अब ये सिलेक्शन ऑन लाए गए मेहनतों के, ये किला तोड़ेंगे। तो कहने का भाव ये है, जब ऐसे महापुरुष से भी की हालत ये हुई और उनके ऊपर कहर पे कहर टूट गए। पहले तो आप अनाथ हुए, बाप मर गए, पिताजी की मृत्यु हुई, फिर 6 साल में माँ की मृत्यु, उम्र थी इनकी 6 साल की। 8 साल की उम्र हुई तो दादा की संरक्षण था वो भी गया। और फिर एक, क्योंकि अब देखो जब ये गरीब दिखे थे संसार की दृष्टि में, पैसा नहीं था तो किसी ने लड़की नहीं दी, एक विधवा से, वह भी 2 बार विधवा हो चुकी थी उससे शादी की, वो 40 साल की 25 वर्ष के। और जब ये इनके पास शब्द की धनी हो गई, इन काल की साधना थोड़ी बहुत की से विलात विरात मिल जाती है, तो फिर ढेर सारे ब्याह हो गए, 11 शादियां भी होगी। और फिर अंत में इस महापुरुष की दुर्गति देखो, कैसे मरते समय क्या हालत हुई। और बाबा आदम की का देखो, वहां पर स्वर्ग में भी चैन नहीं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि देखो भाई बच्चों, कबीर साहब समझा रहे हैं वहां खड़े हुए सबको, जहां जिस समय उस कमाली को जीवित किया था कब्र से निकाल के, हिंदू और मुसलमानों को समझा रहे हैं कि आप श्री कृष्ण का जीवन देखो सारा, कैद में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कभी शिशुपाल मारने आता है, कभी चारोर मारने आता है, कभी कोई पूतना मारने आती है, कभी जरा सिंह आता है, कभी काल्यवन दौड़ रहा है। आखिर में भगवान ने वहां से भाग करके कहां शरण ली, द्वारका में जाके। और भगवान श्री कृष्ण के सामने 56 करोड़ यादव आपस में कटकर मर गए, और भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर, विषाक्त तीर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हुई, हत्या कर दी राक्षसों ने। तो कहने का भाव यह है कि ना राम सुखी ना कृष्ण सुखी, क्योंकि ये काल के रसूल थे, इस ब्रह्म के रसूल थे। श्री राम का जीवन देखो, परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब के ब्याह हुआ श्री रामचंद्र का, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता का हरण हुआ, 12 वर्ष युद्ध से रावण से युद्ध हुआ, सीता वापस ले अग्नि परीक्षा करके हाथे करते निष्कासन कर दिया एक धोबी के कहते, और सारा जीवन गर्भवती औरत बाहर निकाल दी, और सारा जीवन वो बच्चे कहाँ, एक महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में, और सीता और साथ में दोनों बच्चे, और श्री राम कहाँ अपने अयोध्या में, जिसके बच्चे कहीं और आप कहीं, वो सारे कभी सुखी नहीं हो सकता। और उनकी पूजा से कबीर साहब कहते, तुमने कैसे होगा ना दानों जो आप पे मां कष्ट में थे। और आखिर में भगवान श्री राम ने उसमें उस सरजू नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की, यानी उसमें अपना जल प्रवाह, जल समाधि कहते हैं, वहां जाकर अपना जीवन अंत किया। तो यहाँ परमात्मा कबीर साहब बताते हैं कि जो तुम पूजा करते हो हिंदू या मुसलमान आज के दिन, कहते हैं ये दोनों के दोनों तुम काल के ही रसूलों के, उनके भेजे हुए, उनके द्वारा ये दस श्री राम श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार थे, और ये मूसा जी विष्णु जी के लोक से आए थे, और ईसा जी भी विष्णु जी के लोक से आए थे, और हजरत मोहम्मद जो है ये शिव जी के लोक से आए थे, और तुम इन्हीं तक की पूजाओं को करके कभी सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को सुनकर ना जाने कितने हिंदू और मुसलमान उस परमेश्वर की शेष हुए। कबीर साहब ने कहा कि तुम धर्म नहीं बदलना, ईमान वही अपना वही रखो, अपना दीन वही रखो, लेकिन अपने कर्म बदलो। बीड़ी शराब मास्तमा को जिंदगी भर नहीं छोड़ा, और परमात्मा का जो मंत्र मैं दूंगा ये सही है, और आपका सदा सुख होगा, जो कभी मृत्यु नहीं होगी, सतलोक चले जाओगे। इस प्रकार उन प्यारी आत्माओं को समझा परमात्मा कबीर साहब के 64 लाख शेष हो गए थे, 64 लाख से उस परम पिता के उन समर्थता को देख कर और सदेशों को देख कर उस परम पिता के 64 लाख से हो गए थे। तो कहा करते थे, फिर भी कुछ लोग कहते थे, नहीं लिखा, अब किस किसी ने समझा, एक तो ठीक बताने वाला और करोड़ जो है दूसरी मार्गदर्शन करने वाले, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब तो आपके सामने प्रमाण है और सब पवित्र शास्त्र सामने है, और साथ में इन महापुरुषों के लिखे हुए लेख भी आपके पास है। अब निर्णय करने में देर नहीं लगेगी, जिसमें भक्ति करनी है ये कोई समय दिया परमेश्वर ने, अब अपना कर्म बनाओ और सत भक्ति करके बेड़ा पार करो। बोलो सतगुरुदेव की जय।
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।